के अंदर और मार्केट के अंदर ऑब्वियसली हमारे पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो मैंने कहा आपको जो वीकली और मंथली बेसिस पे जो कंपनीज अच्छा रिटर्न दे चुके हैं उनकी जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ सेक्टर वाइज। और उसके बाद ये है कि नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह जो आप लोग को मैं शेयर करूँगा उसके अंदर ये है कि वो स्टॉक्स जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इनके अंदर पोटेंशियल है, जो टॉप फाइव फाइव पिक्स हैं मेरे कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट की डिक्लाइन की वजह से, या टॉप 10 पिक्स हैं 100K के अंदर, 200K के अंदर, 500K के अंदर, उस पर भी मेरा जो काम है वो जारी है इंशाल्लाह। वो भी मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द डिटेल शेयर करूँगा। सो एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें मंडे वाले दिन, तो अगेन हम जाते हैं के एम आई ऑल में क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ शेयर कंप्लाइंट इंडेक्स में हम लोग काम करते हैं। उसके बाद आप लोग भी यही सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। सो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं ओवरऑल हमारे पास साइक्लिकल सेक्टर के अंदर सीमेंट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अलॉन्ग विद फूड फूड सेक्टर के अंदर। हमें पता है जब बड़े मार्केट कैप कंपनीज से जब वॉल्यूम शिफ्ट होता है तो वो छोटी छोटी जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है। एस एस जी सी हमारे पास हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें एस एन जी पी एस स्टील की अगर हम बात कर लें तो इनके अंदर वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फूड सेक्टर के अंदर क्विज हो गया, एफ एफ एल हो गया, प्रेमा हो गया, अलशहीर हो गया, इनके अंदर वीकली बेसिस पे अब हमें मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सिंथेटिक में अगर हम देखें तो इमेज के अंदर अब पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हो गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल कंपोजिट के अंदर वहाँ पर जो छोटी मोटी कंपनी है एसगार्ड नाइन हो गया, रेडको टेक्सटाइल हो गया, वेव्स अप्लाइंसेज हो गया। तो अब आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पे जो चेंज ऑफ हैंड्स है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सीमेंट ने जो है वो वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है और उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन यही है ऑब्वियसली कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट मज़ीद और डिक्लाइन करता है। तो उसकी वजह से डेटा तो अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा नॉर्थ और साउथ रीजन की अगर हम सेल्स की बात करें, लेकिन ये कि स्टॉक चूंकि डिस्काउंटेड थे तो उनके अंदर हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखी। गरीवाल सीमेंट हम देख सकते हैं क्लोज टू 42%, डीजी खान सीमेंट अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है, इट शुड बी ट्रेडिंग नियर 100 रुपीज़ मार्क। टट्टा की बात कर लें, टट्टा ने अपने जो टारगेट्स हैं फेयर वैल्यू के हिसाब से अपनी अर्निंग्स के हिसाब से वो उसने अचीव कर लिए हैं, तकरीबन 18-19% का रिटर्न वीकली बेसिस पे देता हुआ नज़र आ रहा है। दीवान सीमेंट आई बिलीव कि इसके अंदर भी 8.5-9 रुपये तक का जो है मूव बनना चाहिए। एम एल सी एफ स्टिल अपने रिजल्ट की वजह से इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं शो कर पा रहा, बट इट शुड डेफिनेटली बी ट्रेडिंग अबव 40 रुपीज़ मार्क, 40 रुपीज़ बिलो जो है वो अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल है। देन वी हैव द बिग जायंट चिराट सीमेंट, पायनियर सीमेंट की अगर हम बात कर लें, लकी सीमेंट की बात कर लें तो ये भी वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए नज़र आ रहे हैं। अलॉन्ग विद कोहार्ट सीमेंट भी अपने अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देन वी हैव अटक सीमेंट, अटक सीमेंट भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 रुपीज़ तक की वैल्यूएशन जो है वो होल्ड करता है इसके अंदर और मजीद अपसाइड मुझे नज़र आ रहा है। बाकी छोटी कंपनीज में बात करें पावर सीमेंट है, फ्लाइंग है, दीवान सीमेंट है, इनके अंदर जो है वो अभी भी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस जो है वो पोटेंशियल देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी नहीं होती तो इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हमने नहीं देखी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एस एस जी सी, पी एस ओ, पी एस ओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बिकॉज ऑफ दी अपकमिंग रिसीवेबल जो उसको मिलने हैं इंशाल्लाह एच यू बी सी से, और बाकी एक गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो वो सर्कुलर डेट की मद में रिफाइनरीज को पेमेंट मिलती है, मार्केटिंग कंपनीज को पेमेंट मिलती है। तो एक पूरी साइकिल है कि एक कंपनी को पेमेंट होती है तो दूसरा दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। एच टी एल आई बिलीव कि अपने आज अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से टेक्निकली भी जो है इसके अंदर और अपसाइड मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है। एस एन जी पी, एस एस जी सी आपको पता है कि मुझे वैसे भी इन कंपनियों से एज अ पाकिस्तानी हमें कोई खास दिल लगी तो होती नहीं है, तो एस एस जी सी ने भी वीकली बेसिस पे तकरीबन 47-50% का रिटर्न देते हुए नज़र आ रहा है। ऑल दो उसकी स्टॉक प्राइस कम है इसलिए रिटर्न आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा नज़र आ रहा है। एस एन जी पी जो है वो एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो शेल ऑब्वियसली पाकिस्तान को छोड़ के जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल बॉय और अटक पेट्रोलियम हमारे पास इसमें नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े सेक्टर की बात कर लें जो हमारे पास डिस्काउंटेड फिलहाल चल रहे हैं वो हमारे पास पावर सेक्टर है, जिसके अंदर कि इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली टेक एंड पे वाला जो मेथड है उसकी वजह से इसके अंदर भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ, लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ। एच यू बी सी जो है वो हमें पता है सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। देन वी हैव ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अकेला अधूरा जो साथी है इसका वो हमारी पेट्रोलियम है। हमारी पेट्रोलियम के अंदर ऑब्वियसली टाइम लगेगा, अभी तक बोनसेस के रिमेनिंग डिपॉजिट्स नहीं आए, ऑल दो 24 गुजर गई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, आई थिंक कि यहाँ से और मजीद अपसाइड जो है वो ये जा सकता है, लेकिन अगेन वन एज एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग के आगे इसके फाइनेंशियल ग्रोथ है, डिविडेंड मजीद इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है। टेक्स सेक्टर जो है वो इंटरनेशनली डिमांड
गिरने की वजह से जो है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कंपनी जो होती हैं हमारे पास टेक और आईटी कंपनीज होती हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं अपनी सर्विसेज की वजह से। हम देख सकते हैं कि अभी एयरलिंक के अंदर भी जो नेक्सस की डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो उसके हवाले से इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन मैं समझता हूँ इसके अंदर बनती है, 100, 120, 125 तक इसको आना चाहिए, बट इतनी आसानी से जो अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं वो नीचे नहीं आते। टेलीकार्ड इसके बारे में क्या कहें। नेटसॉल ने जो है वो इस वीकली बेसिस पे थोड़ा सा रिटर्न देने की कोशिश करी, लेकिन अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। एवियन ऑक्टोपस अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनीज टू लॉस मेकिंग कंपनीज, इनके भी जो है वो हमें हिसाब किताब नज़र आ रही, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिमेट्री के हवाले से देखा जाए तो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए जो है वो आई थिंक वेट हो रहा है, इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आता है तो वहाँ पर फिर इसका नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखना होगा। सिस्टम ने भी इस वीक जो है वो काफ़ी अच्छी अपनी रिटर्न ज़रूर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेडी ग्रोथ नहीं है। सो ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं हमारे पास जिनके अंदर हमें राइट नाउ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आई। सरले ने भी अपना 58, 59, 60 रुपीज़ का जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया, ऑल्दो इसके फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे हैं नहीं, तो आई एम वेटिंग कि आगे फाइनेंशियल हालात अगर इसके अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली ये 75, 80, 85 रुपीज़ तक ये जा सकता है। बाकी हमें पता है सिटी फार्मा की जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छी है, आई थिंक इसके अंदर जो इन्वेस्टेड है उसको डेफिनेटली अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बाकी आपको पता है ग्लैक्सो, फिरोज, सिमेंट, AGP, अबॉट लेबोरेटरीज, ये बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नज़र नहीं आती, लेकिन एज एन इन्वेस्टर कोई ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आता। रिफाइनरी ने भी, अटक रिफाइनरी के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट जो लेकर आनी है तो उसकी वजह से आई स्टिल बिलीव कि रिफाइनरीज के अंदर और मजीद पोटेंशियल है, बट ये कि वीकली और मंथली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न ये भी दे चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ये कि स्टिल मार्केट जो है वो आई थिंक ये अब एक तो इंटरनेशनली अगर हम देखें, US में इलेक्शन वगैरह हैं, पाकिस्तान में भी दैट्स वेयर विंटर सीजन आता है, तो ये कि नवंबर का मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि नवंबर के मंथ में करेक्शन होना लाजमी है, चाहे वो साइक्लिकल में हो, छोटे बड़े मार्केट में हो, ओवरऑल मार्केट में करेक्शन होना लाजमी है। और इसी वजह से वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अभी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऐसे अच्छे अवेलेबल नहीं है जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। जो जो ऑप्शन आपको लाल में नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मंथली बेसिस पे डिस्काउंटेड, HUBC, इंटरलूप, SLGL, SLGL के अलावा ऑब्वियसली इंटरलूप के अंदर मसले मसाइल हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ ऑल्दो कंपनी अच्छी है लेकिन HUBC के अंदर मसले मसाइल हैं। बाकी हमें दी ऑर्गेनिक मीट्स है, आई एम वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेशन दिया हुआ है ये भी अपने टारगेट अचीव कर लेगा नवंबर के मंथ में। और EPCL में पता है EPCL के अंदर अभी भी फिलहाल ये कि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल स्टॉक जो है वो अच्छे रेट पर अवेलेबल है। तो ये जो आपको लाल में नज़र आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन बनती है जो कि अगले मंथ आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न हमें मार्केट देती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोग के साथ वीकली और मंथली बेसिस का जो ये टाइम फ्रेम है, जो जो मोमेंटम चल रहा है मार्केट का, उसके वाले से डिटेल शेयर कर दूं। और ये कि इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मार्केट डिस्काउंट हो तो फिर ये कि नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे जो इन्वेस्टमेंट सजेशन है वो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर और इंडिविजुअली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।